नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और आप देख रहे हैं टीसीएस के बायबैक की पाठशाला। और आज बायबैक की बारीकियां बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे टीचर मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी और मैं हूं पूजा। और हम आज समझेंगे कि टीसीएस का बायबैक जो अनाउंस हुआ है उससे जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उनको और अगर आप नए निवेशक हैं उन्हें किस तरह का फ़ायदा होगा, ये छोटी छोटी बारीकियाँ आज के क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल तो यही उठता है कि ये बायबैक क्या होता है, पहला सवाल तो यही है। देखिए सिंपल, बायबैक जैसा कि नाम है, कंपनी अपने शेयर खुद खरीदती है। ओके, उसे बायबैक कहते हैं, यानी कि कंपनी के शेयर इशू हुए हैं, लिस्टेड हैं, ट्रेड होते हैं, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट चाहे कि कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा है और वो उनके शेयर फिर से खरीद लेना चाहें। क्यों करना चाहती है कंपनी ऐसा? क्योंकि अगर पैसा है और उस पैसे को आगे उन्हें किसी कारोबार में नहीं लगाना है, एडिशनल पैसा है, तो फिर वो अपने शेयर खरीदते हैं। जैसे वो अपने शेयर खरीदते हैं तो बाज़ार में से शेयर कम हो जाते हैं, जो कम शेयर हो गए तो बचे हुए शेयर की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। ओके, इसलिए कंपनी अपने एडिशनल पैसे को जो उन्हें कारोबार में के एक्सपेंशन में नहीं लगाना है, दो तरीके से इस्तेमाल कर सकती है शेयर होल्डर्स के लिए, या तो बड़ा डिविडेंड दे दे या फिर बायबैक कर ले। अब अचानक से बायबैक क्यों होने लगे ज़्यादा पूजा? उसकी वजह यह है कि बायबैक इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं कि डिविडेंड पर सरकार ने लगा दिया टैक्स। ओके, तो अब भारी भरकम टैक्स लगता है, तो इसलिए कंपनी ने रास्ता निकाला कि बजाय ये कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें, डिविडेंड बांटें, बड़ा टैक्स भरें सरकार को, अच्छा है बायबैक कर ले। तो इनडायरेक्टली तो फ़ायदा शेयर होल्डर्स को मिल ही रहा है, तो इसलिए बायबैक आजकल बड़ा पॉपुलर हो गया है। तो इस पर ही मेरा अगला सवाल था। आपने बात की कि कंपनी के पास कैश बहुत पड़ा है इसलिए वो ये प्रोसेस लेकर आ रही है और डिविडेंड इस वजह से डिविडेंड की जगह उन्होंने बायबैक प्रेफर किया। तो अब क्या मैं ये समझूं कि अब बायबैक आ गया है तो डिविडेंड आने में टाइम लगेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बायबैक और डिविडेंड से अल्टीमेटली ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पास पैसा कितना है। okay. और कंपनियां कभी भी बायबैक करने के लिए डिविडेंड स्किप नहीं करेगी। okay. डिविडेंड तो देंगी ही, जो दे रही वो देंगे ही, हो सकता है बढ़ भी जाए। बायबैक तो आप तभी करते हैं जब आपको डिविडेंड देने के बावजूद भी बहुत पैसा बच जाता है। राइट, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद सभी शेयरधारकों के मन में भी होगा। तो अब बात करते हैं टीसीएस की। जब टीसीएस बायबैक क्यों कर रही है और उससे कंपनी को क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कैश जा रहा है कंपनी। देखिए, टीसीएस के मैनेजमेंट ने साफ तौर पर गाइड किया कि लगभग 12% की सालाना ग्रोथ से कंपनी आगे बढ़ेगी। हर साल मोटा मोटी आप समझ लीजिए 30,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास आएगा। अब ये 30,000 करोड़ का करेगी क्या कंपनी? कुछ नए एक्विजिशन करें, कामकाज में लगाएं, उसके बावजूद पैसा बचेगा, तो फिर दो तरीका है। डिविडेंड, जो टीसीएस ने पिछले लगातार चार सालों से कैश जनरेशन होने के बावजूद डिविडेंड वही का वही रखा है, डिविडेंड का रेशियो नहीं बढ़ाया, तो फिर दूसरा तरीका क्या है? बायबैक कर लिया जाए। बायबैक करने में होगा क्या? जिन लोगों को बायबैक में भाग लेना है वो अपने शेयर बेच सकते हैं, और जाहिर सी बात है कि बायबैक जो होता है आमतौर पर जो मार्केट प्राइस है उससे प्रीमियम पर होता है, है ना। तो इसलिए टीसीएस के पास जो भारी भरकम कैश है उनकी बैलेंस शीट पे 35,000 करोड़ रुपए के आसपास का, उसमें से उन्होंने सोचा है कि एक 16,000 करोड़ का बायबैक कर लिया जाए। तो टीसीएस अपने शेयरधारकों को पैसा वापस रिटर्न करना चाहती है बायबैक के जरिए, इसलिए वो लेकर आ रही है। तो क्या इस बायबैक में हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है? अगर आप टीसीएस के शेयर होल्डर हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन कब उसके लिए एक डेट होगी। वो डेट अनाउंस की जाएगी कंपनी की तरफ से, अच्छा, उसको कहते हैं रिकॉर्ड डेट। उस दिन आप टीसीएस के शेयर होल्डर होने चाहिए। अच्छा। और वो डेट अभी तक अनाउंस हुई नहीं है, वो शायद इस महीने के आखिर में आती हुई दिखेगी। तो जब तक वो डेट नहीं आती तब तक आप पहले शेयर खरीद रहे हैं, जाहिर सी बात है आपके अकाउंट में रहेंगे, और उस पर्टिकुलर डेट को जो लोग शेयर होल्डर हैं टीसीएस के, वो सभी शेयर होल्डर बायबैक में भाग ले सकते हैं, चाहे वो एफआईज हों, लोकल फंड हो, आपके मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर हों, या फिर प्रमोटर्स भी। ओके, और पूरी संभावना है कि टीसीएस के प्रमोटर भी बायबैक में हिस्सा लेंगे, वो भी अपने शेयर देंगे। राइट, अब मेरे पास टीसीएस के शेयर हैं, मैं पहले से ही टीसीएस के शेयरधारक हूँ और अब मुझे पार्टिसिपेट करना है इस बायबैक के प्रोसेस में, तो कैसे करूँ, मैं शुरुआत कैसे करूँ? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि बायबैक में भी अलग अलग कैटेगरी होती है। ओके, कैटेगरी ये होती है एक तो रिटेल शेयर होल्डर की और दूसरी नॉन रिटेल शेयर होल्डर की। अब रिटेल क्या है, नॉन रिटेल क्या है, पहले वो आपको समझना ज़रूरी है। जो रिकॉर्ड डेट है उस डेट तक, उस डेट पर अगर आपके अकाउंट में टीसीएस के 95 से कम शेयर हैं, अच्छा, 95 या 95 से कम शेयर 95, तो आप रिटेल शेयर होल्डर हैं। अब आप बोलेंगे ये 95 का क्या फॉर्मूला है? टीसीएस बायबैक कर रहा है 2100 रुपये में, ठीक है।
रिटेल शेयर होल्डर वो है जिनके पास 2 लाख रुपए से कम की वैल्यू के शेयर हो। तो 2 लाख को आप डिवाइड कर दीजिए 2100 रुपए से, 95 शेयर आते हैं। सिंपल फॉर्मूला, और ये न सिर्फ टीसीएस के लिए, हर एक बायबैक में यही फॉर्मूला लागू होगा। अच्छा। आप करंट मार्केट प्राइस से मत गिनिए। हाँ। करंट मार्केट प्राइस से गिनेंगे तो आपको कहीं कुछ दिखेगा, कहीं कुछ, कोई 104 गिनेगा, कोई 108 गिनेगा, कोई 115 गिनेगा, क्योंकि हाँ। भाव तो रोज बदलता है, रोज बदल रहे हैं। आप वो सब दिमाग में मत लगाइए। 2 लाख रुपए तक का आपका होल्डिंग है, आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, करेक्ट। बायबैक की प्राइस से डिवाइड कर दीजिए, 2 लाख डिवाइडेड बाई 2195 शेयर, 95 तक शेयर अगर आपके अकाउंट में है, आप रिटेल कैटेगरी में। अच्छा। अब इसमें और आम रिटेल कैटेगरी वाले जो आईपीओ में होते हैं, उसमें एक बड़ा फर्क है पूजा, वो समझना चाहिए। आप आईपीओ में जब रिटेल कैटेगरी में पैसा लगाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन की साइज 2 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अच्छा। राइट। तो ये आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, राकेश यूनियन वाला भी चाहें तो 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन रिटेल कैटेगरी में लगा सकते हैं, लेकिन बायबैक में ऐसा नहीं है। अच्छा। बायबैक आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास टीसीएस के 5000 शेयर है लेकिन मैं सिर्फ 95 शेयर ही भरूंगा तो मैं रिटेल में हूँ, जी नहीं। रिकॉर्ड डेट के दिन आपके पास 95 से ज्यादा शेयर नहीं होने चाहिए। अच्छा। ये बड़ा फर्क है। हाँ, आप ये नहीं कह सकते शेयर मेरे पास ज्यादा लेकिन मैं बायबैक में 95 दे रहा हूँ तो मुझे रिटेल कैटेगरी में मान लो, वैसा नहीं होगा। ये एक फर्क है। तो जो बायबैक की रिकॉर्ड डेट होगी, इसमें 2 डेट अहम है। रिकॉर्ड डेट, उस दिन आपका शेयर होल्डर्स लिस्ट में नाम होना चाहिए, 95 से कम शेयर होने चाहिए तो आप रिटेल कैटेगरी में जाएंगे। अच्छा, 95 से ज्यादा है तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है, बायबैक में आप फिर भी शेयर दे सकते हैं, राइट। लेकिन वो आपकी रिटेल कैटेगरी में नहीं होगा, और रिटेल कैटेगरी में क्या है, 15% रिजर्व है। हाँ। तो वहां पर शेयर एक्सेप्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं, आपके ज्यादा से ज्यादा शेयर जब होने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरी कैटेगरी में प्रोपोर्शनेटली होगा तो वहां शेयर कम होंगे, इसीलिए हम ये कहते हैं कि आप हर अकाउंट में 95 शेयर ही रखिएगा। अच्छा। रिकॉर्ड डेट, तो पहली डेट तो होगी रिकॉर्ड डेट, दूसरी डेट होगी एक वो डेट जिस डेट तक टीसीएस आपके शेयर्स एक्सेप्ट करेगा, वो एक फाइनल डेट होगी। उस डेट तक आपको एक बार टीसीएस को अपने शेयर टेंडर कर देने हैं, ये मेरे शेयर हैं, मैं आपको बायबैक में देना चाहता हूँ, करेक्ट। अब बायबैक में देने का तरीका क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। शेयर हैं आपके पास, आप देंगे कैसे, कैसे वही देने के 2-3 तरीके। पहला तरीका, अगर आपका कोई ब्रोकिंग अकाउंट है और होगा ही, जाहिर सी बात है आपने टीसीएस के शेयर खरीद के रखे हुए हैं, तो आपके आप अपने ब्रोकर को कहिए जी मेरे ये शेयर हैं और आप इनको मेरे बायबैक में, टीसीएस के बायबैक में टेंडर कर दीजिए, ठीक है। वो अपने सिस्टम पर पंच कर देगा और आपके शेयर टीसीएस को चले जाएंगे, ठीक है, एक तरीका ये। इसके लिए क्या होता है, टीसीएस अपने हर एक शेयर होल्डर को, जो रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर होल्डर हैं, उन्हें एक लेटर भेजता है कि क्या आप बायबैक में शेयर देना चाहते हैं। आपको वो लेटर भरना है, भर के अपने ब्रोकर को दे देना है। जितने शेयर आप देना चाहते हैं, आपके पास 50 है, 50 के 50 देना चाहते हैं 50 दीजिए। अच्छा, तो अगर मुझे सारे शेयर्स देने हैं तो मैं सारे देने, सारे दो, कम देने, कम दो, ज्यादा देने, ज्यादा, ये आपके ऊपर है। अच्छा। कि आपको कितने देने, आपका राइट है। आपके पास अगर 95 शेयर है और आपको लगता है मुझे पूरे 95 देने, दीजिए 50 देने, 50 दीजिए। आपके पास 5000 शेयर है, 5000 देने, पूरे 5000 दीजिए, वो आपके ऊपर है। तो आपको वो भरकर अपने ब्रोकर को देना पड़ेगा, ओके, ठीक। और वो ब्रोकर आपका पंच कर देगा, आपके शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे आपके अकाउंट से टीसीएस में। हाँ। शेयर चले जाएंगे और बाद में जब टीसीएस एक्सेप्ट करेगा, जितने हो जाएंगे ठीक, बाकी रिटर्न आएंगे। उससे पहले एक और चीज जो ध्यान में रखने वाली है, सपोज आपको लेटर ही नहीं मिला तो हो सकता है, पॉसिबल है, हिंदुस्तान में सब कुछ पॉसिबल है। तो फिर दूसरा तरीका ये कि आप टीसीएस की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर एक फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर एक फॉर्म रहेगा कि मैं अगर शेयर बायबैक में टेंडर करना चाहता हूँ, तो आप उस फॉर्म को डाउनलोड करिए, प्रिंट लीजिए, उसमें जो डिटेल्स भरनी है वो भर के अपने ब्रोकर को दीजिए, वो भी किया जा सकता है। तीसरा तरीका ये है कि आप अपने डीमेट अकाउंट से, टीसीएस का जो एक स्पेसिफिक डीमेट अकाउंट नंबर होगा वो बताएंगे, उसमें आप शेयर ट्रांसफर कर दीजिए। अच्छा। तो हमारे हिसाब से सबसे बढ़िया फूल प्रूफ सिस्टम वो है जिसमें कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं, वो ये कि जब आपको टीसीएस से लेटर आए, क्योंकि अगर आप शेयर होल्डर हैं वो लिख के भेजेंगे आपके अकाउंट में इतने शेयर थे इस तारीख को, आपको कितने देने हैं, उसमें आप डिटेल लिखकर भेज दीजिए और आप अपने ब्रोकर को दे दीजिए, तो उसमें गलती की गुंजाइश नहीं के बराबर है, तो आपके शेयर चले जाएंगे। अब अगला सवाल तो यही होगा कि मान लीजिए मैंने अपने सारे के सारे शेयर्स डाल दिए,
अब अगर मेरे शेयर एक्सेप्ट नहीं हुए सारे के सारे, क्या कोई प्रोपोर्शन है जिस कंपनी जिसने वो एक्सेप्ट करेगी, और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? जो प्रोपोर्शन है उसको कहते हैं पूजा एक्सेप्टेंस रेशियो। ओके, यानी कि जितने शेयर आप बायबैक में दे रहे हैं उसमें से कितने शेयर आपके कंपनी एक्सेप्ट कर लेगी उसकी संभावना क्या है, और कितने वापस आएंगे। अच्छा, जितने एक्सेप्ट कर लेगी उसे एक्सेप्टेंस रेशियो कहते हैं। वो कैसे निकाला जाता है? जिस दिन कंपनी वो डेट डिसाइड करेगी कि इस दिन जो शेयर होल्डर्स हैं हमारी लिस्ट में उनको हम शेयर होल्डर मानेंगे बायबैक के पर्पज़ से, और उनमें हम अलग अलग कैटेगरी में कर देंगे। ठीक है कि भाई एक प्रमोटर इंस्टीट्यूशंस वो सब डाल रहे हैं, और एक वो लोग हैं जो जिनके पास 95 शेयर तक के हैं जो रिटेल कैटेगरी है। ठीक है, मेरा अंदाज़ा ये है ब्रॉडली कि 48-50% के आसपास का रेशियो आएगा रिटेल इन्वेस्टर्स का, जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक। ठीक है, ये ध्यान में रखें, अगर आपके पास शेयर 95 से ज़्यादा हैं और आप चाहते हैं कि आप रिटेल कैटेगरी में पार्टिसिपेट करें, तो या तो उससे पहले आप अपने शेयर कम कर लीजिए बेचकर, या आपको लगता है कि एक अकाउंट में बेचकर आप किसी दूसरे फैमिली मेंबर के अकाउंट में खरीदना चाहें वैसा कर लीजिए। हर एक अकाउंट में आपके 95 से ज़्यादा शेयर नहीं होने चाहिए अगर रिटेल कैटेगरी में जाना है तो। आप चाहें तो ज़्यादा में भी जा सकते हैं। अब जब आप शेयर रिकॉर्ड डेट पे आप शेयर होल्डर है या नहीं है और कितने शेयर के शेयर होल्डर है वो डिसाइड हो गया, उसके बाद जो डेट रहेगी जब तक आप TCS को शेयर दे सकते हैं उस डेट के पहले पहले आपको शेयर भेज देने हैं। उस डेट के कुछ एक दिन बाद, ज़्यादा भी नहीं लगेगा, शायद 2-4 दिन में ही हो जाएगा, कंपनी ये कहेगी कि इतने शेयर हमने एक्सेप्ट कर लिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, पिछली बार रिटेल कैटेगरी में सारे के सारे 100% एक्सेप्ट हुए। अच्छा, 100%। और 16% प्रीमियम पर पिछली बार भी बायबैक किया था, इस बार भी 16% प्रीमियम। ठीक है, 100% एक्सेप्ट हुए थे। 48-50% का रेशियो आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार चूंकि हम समझा रहे हैं लोगों को, ज़्यादा जागरूकता हो रही है, हो सकता है थोड़े लोग ज़्यादा और खरीदें बाजार से भी, और जिनके पास हैं वो भी टेंडर करें, क्योंकि आमतौर पर लोग आलसी होते हैं, सोचते कर लेंगे ना, ठीक है ना, TCS है, पड़ा रहने दो, हाँ तो क्यों करना है। तो इस बार फिर मुझे लगता है कि रीजनेबल रेशियो जो होना चाहिए वो 58-63% के आसपास आएगा। अच्छा। 58% से 63%। लेकिन अगर बिना लॉजिक के मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कहूँ तो मेरा मानना है कम से कम 70-75% मान के चलिए एक्सेप्ट हो जाएंगे। अरे वाह, पिछले बार के 100% के मुकाबले में 70-75% तो मान के चलिए। आप 95 शेयर खरीदेंगे ना तो पूरी संभावना है कि 70 शेयर के आसपास तो आपके एक्सेप्ट हो ही जाएंगे। इसीलिए हम बात करें शेयर धारकों की पार्टी हो गई है, माला। एग्जैक्टली, क्योंकि आज अगर आप 1825-30 में आप शेयर खरीदते हैं, 2100 रुपये में आप शेयर टेंडर करते हैं 95 शेयर, उसमें से 70 शेयर तो आपके 2100 टेंडर हो गए, बचे 20-25 शेयर वापस आ गए, और हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, तो वो शेयर वापस आपको आ जाएंगे कुछ दिनों में। अच्छा, फिर आप चाहें तो उसे रख लीजिए, चाहे तो मार्केट में बेच दीजिएगा तब जो अच्छा, भी तो मतलब वो वापस हमारे अकाउंट में वापस। और एक और सिंपल चीज क्या है पूजा, समझिए आपने 1800 में TCS खरीदा, राइट, आज फ्रेश आपके पास TCS नहीं है, करेक्ट करेक्ट, आज आप खरीद लीजिए 1825 में, आपका 2100 में बायबैक में जाएगा, 95 से में से 70 भी गए, ठीक है, तो बचे हुए 25 की वैल्यू क्या रहेगी, 1200 रुपये। आज जो TCS 1800 रुपये में ट्रेड कर रहा है, हर बार प्रमोटर अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं, हर बार इक्विटी कम हो रही है बायबैक की वजह से, क्या TCS 1200 आएगा? कभी नहीं, कभी नहीं। तो फिर आपको नुकसान तो है ही नहीं, नहीं। तो ये एक आंख बंद करके रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बेहतरीन मौका है TCS के शेयर खरीदने का। अब मैं आपको ये भी बता दूं कहां खरीदना चाहिए, जितना सस्ता मिले उतना बेहतर है, लेकिन अगर आपने किसी भी भाव में खरीद लिया तो भी डरने घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा, अगर आपने 1850 में खरीदा तो भी कोई बात नहीं, 1875 में खरीदा तो भी कोई बात नहीं। मेरा ये मानना है बायबैक के पहले किसी भी खराब दिन, अगर बाजार खराब हो, TCS खराब हो, आपको 1775-1800 रुपये की रेंज में मिले या इसके नीचे मिले, तो आंख बंद करके ले लीजिए। ओके, आपका बायबैक में शेयर जाएगा, और बचा हुआ शेयर आप चाहें तो बाद में मार्केट में बेच दीजिएगा, और नहीं तो TCS जैसा शेयर अगर अगले 5 साल आप रख भी लेंगे तो कहीं नुकसान की बात नहीं। अगला सवाल तो यही आता है कि अगर मेरे पास काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं तो क्या मैं सारे अकाउंट से टेंडर कर सकती हूँ, कितने अकाउंट से टेंडर कर सकती हूँ? देखिए, आपके पास एक अकाउंट है या एक से ज़्यादा है, और टेंडर करने का सही तरीका क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसमें क्या होता है बहुत सारे रिजेक्शन हो जाते हैं। अच्छा, लोग भेजते हैं फिर भी नहीं होते। हाँ। एक तो रिजेक्शन सबसे बड़ा इस वजह से होता है कि लोगों को लगता है कि मेरे पास 200 शेयर हैं लेकिन मैंने 95 ही टेंडर किए तो मैं रिटेल कैटेगरी में हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ फिर से साफ कर दूँ, आप रिटेल कैटेगरी में तभी आते हैं जब आप उस डेट के दिन
जो TCS डिसाइड करके अनाउंस करेगी कि उस दिन अगर आप शेयर होल्डर हैं 95 से कम शेयर आपके पास हैं तो ही आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, बहुत बार लोग सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, कुछ तो बिल्कुल समझदार नहीं होते जो फ़ायदा नहीं उठाते, कुछ ज़्यादा समझदार होते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो क्या सोचते हैं, चलिए एक अकाउंट मेरा और मेरी वाइफ का जॉइंट अकाउंट, दूसरा अकाउंट मेरा और मेरे बेटे का जॉइंट अकाउंट, तीसरा और कोई अकाउंट, फैमिली के 8-10 अकाउंट खुलवा लूँ, ठीक है ना, और सबके सब 95 शेयर्स खरीद के TCS को दे दे। पैसा बनाना इतना आसान भी नहीं है। क्यों? एक चीज़ समझ लीजिए, जब भी आप अपने फैमिली अकाउंट्स में शेयर खरीद कर उसे टेंडर करना चाहते हैं तो एक बेसिक फॉर्मूला समझ लीजिए। जो प्रिंसिपल अकाउंट है, जो पहला नाम है, सपोज अनिल सिंघवी एंड वाइफ, तो पहला नाम जिसका है उसके हिसाब से गिना जाएगा। अच्छा, और एक आदमी के लिए एक ही गिना जाएगा। अब अनिल सिंघवी एंड वाइफ, अनिल सिंघवी एंड सन, अनिल सिंघवी एंड डॉटर, अगर ऐसा बना दिया तो अनिल सिंघवी का एक ही जाएगा, पैन नंबर मेरा एक गिना जाए, एक पैन नंबर पे एक ही एप्लीकेशन आप बायबैक में सरेंडर कर सकते हो। भले आप कितने ही मल्टीपल में अकाउंट बना लो, अकाउंट बनाने में इश्यू नहीं है, आप डीमेट अकाउंट खुलवाओगे, मैं जाके खुलवा सकता हूँ, मेरे बेटे का नाम पहला और मेरा दूसरा, मेरा पहला और मेरे बेटे का नाम दूसरा, खुल जाएगा, उसमें मना ही नहीं है। लेकिन जब आप बायबैक देने जाएंगे तो मेरे बेटे का पैन नंबर में एक ही जाएगा, वाइफ के पैन नंबर में एक ही जाएगा और मेरे में एक ही जाएगा, तो अगर एक से ज़्यादा आप करोगे तो सारे रिजेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी जरूरी। तो जो लोग बड़े ज़्यादा समझदार बनते हैं कि हम बहुत सारे अकाउंट खोल दें, हर एक में 95 ले लें, आराम से 10-12% तो बनना पक्का है, ऐसे भेज देते हैं, ऐसा नहीं होने वाला। आप ये ध्यान रख लीजिए, एक पैन नंबर पर एक ही एप्लीकेशन जा सकती है, ये पक्के तौर पे ध्यान रखिएगा। ये कॉमन मिस्टेक है जो काफी लोग करते हैं, जो आपको नहीं करनी है। राइट, तो ये कुछ ऐसे छोटी छोटी गलतियां हैं जो कि निवेशक अक्सर करते हैं और आपको नहीं करनी चाहिए। ये बात जरूर ध्यान में रखिए कि एक पैन नंबर पर एक ही एप्लीकेशन जा सकता है। अब हम बात करते हैं नए इन्वेस्टर की। अगर मुझे अनाउंसमेंट हुई अभी कुछ दिन पहले, अनाउंस हुआ TCS के बायबैक को लेकर, और अब मुझे खरीदना है ये शेयर, तो मैं क्या करूँ? क्या आपके पास नहीं है शेयर? अभी मेरे पास शेयर नहीं है, मुझे TCS का शेयर खरीदना है, आंख बंद करके तुरंत प्रभाव से तो मुझे बायबैक का फायदा मिल जाएगा, 100% मिलेगा। सी, जिस दिन TCS डेट अनाउंस करेगा कि ये वो डेट है, उस दिन आप हमारे शेयर होल्डर्स हैं या नहीं, ठीक है, उससे पहले आप कभी भी शेयर खरीदे और अपने डीमैट अकाउंट में रख लें, आपको फायदा मिलेगा, और वो डेट अभी तक अनाउंस हुई नहीं। डेट अनाउंस होने के बाद भी आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, मेरे ख्याल से वो डेट जून के आखिर में कोई होनी चाहिए, ठीक है, हो सकता है थोड़ी और आगे भी हो जाए, तो अभी भी आपके पास 8-10 दिन आराम से हैं खरीदने के लिए। अच्छा, हाँ, आराम से खरीदिए, वो डेट अनाउंस होगी, उस डेट अनाउंस होने के बाद और टाइम आपको मिलेगा, क्योंकि उस दिन तो TCS डिसाइड करेगी कि मेरे शेयर होल्डर कौन कौन है, उसके बाद TCS लेटर भेजेगी, तो 5-7 दिन का टाइम तो कम से कम लगेगा ना लेटर आने में, तब TCS बोलेगी अब हम जो ये लेटर भेज रहे हैं आप लोगों को, आप इस लेटर को भर के अपने ब्रोकर को दे दीजिए या कंपनी को भेज दीजिए, हम आपके शेयर टेंडर करवा लेंगे। तो इसलिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है, और अगर आप नए इन्वेस्टर के तौर पर TCS आपके पास में नहीं है तो तुरंत प्रभाव से आपको खरीदना चाहिए। अब ये अलग बात है कि आपको 1825 में लेना है, 1850 में लेना है, 1800 में लेना है, जितना नीचे मिले उतना बेहतर, सिंपल चीज़ है, जितना नीचे मिले उतना बेहतर। मेरा ये मानना है 1775 से 1800 की रेंज में मिले, फिर ज़्यादा लालच करना, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ले लेना चाहिए वहाँ मिले तो। अच्छा, इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि वायदा बाज़ार में आप हेजिंग कर लीजिए, आपको नुकसान नहीं होगा। वैसे ही नहीं होगा, ये सब फालतू की बात है। वो एक स्ट्रेटेजी हो सकती है कि आप 5 अलग अलग अकाउंट में खरीदें, 5 फैमिली अकाउंट हो गए आपके, अलग अलग पैन कार्ड वाले होने चाहिए जो मैंने बताया है ना पहले, उन 5 अकाउंट में 95 शेयर खरीद ले तो आपके पास कितने हो गए, 470 शेयर हो गए। TCS का एक लॉट साइज है 500 शेयर का। अगर आज आप 1800 रुपये में सपोज TCS खरीदते हैं कैश मार्केट में, 500 शेयर 495 के हिसाब से 470 शेयर खरीदते हैं और वो बायबैक में दे देते हैं, तो 1800 वाला शेयर आपका 2100 रुपये में बिकेगा। जो TCS ने ले लिया बायबैक में, नहीं लिया तो वापस भेज देगी। सामने सामने आप 500 शेयर फ्यूचर में आज ही भेज देते हैं। अच्छा, तो आपके लिए अब TCS गलती से गिर भी जाए तो आपकी रिस्क तो जीरो हो गई, क्योंकि नीचे जाएगा तो आपने फ्यूचर बेच ही रखा है और ऊपर आपको बायबैक में देना ही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा करना समझदारी वाली बात नहीं है। काफी सारे एनालिस्ट लेकर आ रहे हैं इस तरह। नहीं, वो सिर्फ उन लोगों के लिए ठीक हो सकता है जो FNO में बड़ा ट्रेड कर रहे हूँ। अच्छा, कि भाई आपको 10-20 हज़ार TCS खरीद लेने हैं, हाँ, और फिर आप ये सोचें कि मेरा इसमें से इतना ही जाएगा, ये जाएगा, वो छोड़ दो। हमारे रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या करना है, ये सब चक्कर में मत पड़ो। ओके, सिंपल है, कैश में खरीदो, बायबैक में दे देना,
कोई हेजिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आपके बचे, पहली बात तो यही पता नहीं कि वापस शेयर कुछ बच के आएंगे भी, ज़्यादा संभावना है। पिछला रिकॉर्ड देख के तो 100% हुए थे, चलो इस बार 100% नहीं भी मानो, 70-75% भी हो गया या 90% हो गया, 80% हो गया, तो बच के आएंगे कितने? 10-20%। 10-20% की कॉस्ट आ गई आपकी 1200 रुपये, भाव है 1800 रुपये, क्यों सोचने का डर लगना चाहिए? तो ये हेजिंग के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़ें, आप तो सिंपल शेयर खरीदें, बायबैक में दे दें, पूरा हो जाए तो ठीक, वापस आ जाए तो मैं तो तब भी बोलूँगा पूजा, वापस जो शेयर आता है उसको बेचना भी मत, बने रहे। अरे इन्वेस्टमेंट के तौर पे रख लो ना, तौर पे रखे, सही बात। हर साल TCS को 25-30 हज़ार करोड़ रुपए कमाना है, हर साल दो साल में बायबैक आएगा ही आएगा, डिविडेंड आएगा ही आएगा, ग्रोथ कंपनी में है, देश की नंबर वन कंपनी है, टाटा की है, सब बढ़िया है, ऐसा रह गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। चलिए, तो बायबैक को लेकर तो चर्चा हो गई है, कैसे पार्टिसिपेट हेजिंग करने की जरूरत नहीं, हेजिंग करने की जरूरत नहीं है, कैसे पार्टिसिपेट करना है ये भी हम समझ चुके हैं, लेकिन अब मुझे पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, मैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हूँ, मुझे लेना ही नहीं है, मुझे पार्टिसिपेट ही नहीं करना है। मतलब आपके पास शेयर पड़े हैं, आपको बायबैक में नहीं देना है, बायबैक में नहीं देना है मुझे, ये थोड़ी बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी, कर लेना चाहिए। अच्छा, क्योंकि देखिए एक सिंपल चीज़ है पूजा, देखिए 1800-1850 या उस डेट के दिन आप और देख लें, भाव 1900 हो गया समझो TCS का, जो भी हो गया, तो भी आपको 200 रुपये मुफ्त के मिल रहे हैं ना, 2100 में TCS ले रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वापस कभी आपको जिंदगी में TCS 2100 के नीचे मिलेगा नहीं, तो ये बायबैक का फ़ायदा तो उठाना चाहिए, और इस बात की पूरी संभावना है कि इस बार प्रमोटर्स भी बायबैक में शेयर टेंडर करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि प्रमोटर बेचेंगे तो फंड्स भी बेचेंगे, तो एक बार की हो सकता है थोड़ा सा TCS की जो तेज़ी है बड़ी उछाल है, समय के लिए, थोड़े समय के लिए लगाम लग जाए, बायबैक खत्म होने के बाद शेयर नीचे भी आ जाए, तब आप वापस ले लीजिएगा, तो ये सोचना। और फिर भी आपको लगता है नहीं जी मुझे तो 10-15 साल TCS बेचना ही नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता फिर, लेकिन मेरा ये मानना है आपकी जगह मैं होता तो मैं ये 10 या 15% का जो गेन मिलने वाला है मैं क्यों छोड़ूँ, एज ए शेयर होल्डर मेरा राइट है, TCS बायबैक लेके आ रहा है, मेरा बनता है पैसा, मैं लूँगा, तो मैं तो पक्का बायबैक में डालूँगा। तो आज इस TCS की पाठशाला में सब लोगों के लिए एक ही राय है, अगर आपके पास शेयर है तो ये इंश्योर कर लीजिएगा कि हर अकाउंट में आपके 95 शेयर से ज़्यादा न रहे, और अगर आपको बहुत ज़्यादा रखनी है तो किसी एक अकाउंट में ज़्यादा रख लीजिएगा, ताकि बाकी जो अकाउंट है आपके उसमें रिटेल शेयर होल्डर के तौर पर हर अकाउंट से आप 95 शेयर बायबैक में दे सकें। हेजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास दो डेट ध्यान में रखनी है, एक वो डेट जिस दिन TCS डिसाइड करेगा कौन से शेयर होल्डर्स बायबैक के लिए अधिकृत है, एंटाइटल है, वो दूसरी वो डेट जिस डेट के पहले पहले आपको TCS को शेयर दे देने हैं, अपने ब्रोकर के पास फॉर्म लेकर जाइएगा, वो आपके शेयर भर देगा, जो डेट होगी उसके बाद शेयर एक्सेप्ट कितने हुए वो कंपनी आपको बता देगी, जितने ले लेंगी ठीक, बाकी वापस आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, जब आ जाएँ आपको रखने हो तो ठीक, नहीं तो बेच दीजिएगा, ये सिंपल फॉर्मूला है। एक पैन नंबर अकाउंट से एक ही अकाउंट से जाए, एक पैन कार्ड से एक ही अकाउंट से जाए, इतना ध्यान में रखिए, ये पूरा TCS हो गया आपके लिए। चलिए, तो ये थी TCS बायबैक, सवाल बचा नहीं, नहीं नहीं, अब सारे सवाल खत्म हो गए, और अगर कुछ सवाल हैं दर्शकों के तो आप हमें भेजिए, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर और इंस्टा पर, आप सोशल मीडिया पर हम अवेलेबल हैं, आप भेज सकते हैं और हम उन सवालों के जवाब कोशिश करेंगे कि दे पाएं। तो फिलहाल TCS बायबैक की पाठशाला में हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।